हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर होस्ट राज। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर, जो बाइनेंस लॉन्च कोड में नया टोकन हैश फ्लो HFT टोकन जो आ रहा है और जिसकी स्टेकिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या ये हमें बेनिफिट देकर जा सकता है, क्या हमें अपने इस टाइम पर जो कि BNB का प्राइस $333 को अप्रोक्स टेस्ट कर चुका है उस पर हमें बाय करना चाहिए, और ये बाय करके हमें जो HFT को अपने BNB को स्टेक या BUSD को स्टेक करके हम इससे जो रिवार्ड में लॉन्च पूल में जो माइनिंग करके हैश फ्लो जनरेट करेंगे, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाइएगा। चलते हैं सीधा उस न्यूज़ पर। ये रहा इंट्रोड्यूसिंग बाय हैश फ्लो ओन बाइनेंस लॉन्च कोन अर्न HFT बाई स्टेकिंग BNB और BUSD। किसी को भी स्टेक करके आप ले सकते हो। बाइनेंस इज एक्साइटेड टू अनाउंस द 31st प्रोजेक्ट, 31वां प्रोजेक्ट है बाइनेंस लॉन्च पूल पर HFT, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है कनेक्टिंग ट्रेडर्स विद प्रोफेशनल मार्केट मेकर्स। देख लेते हैं, देखिए इस तरह का है ये आपका, जैसे आपका पैनकेक स्वैप है, किसी तरह के स्वैप है जो उस तरह से आपको ये भी सेम मिलेगा। बट इसके अंदर एक फीचर क्या है, आप इसको मल्टी चेन पर भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सोर्स आगे। यूजर विल बी एबल टू स्टेक दियर BNB एंड BUSD इनटू सेपरेट पूल्स टू फार्म HFT टोकन ओवर 30 डेज। 30 दिनों के लिए आप कर सकते हैं BNB और BUSD के पेयर में। ठीक है, अब अलग अलग सेपरेट पूल दिए गए। फार्मिंग कब से स्टार्ट होगी, 1 तारीख को सुबह 5:30 बजे से, यानी कल के दिन सुबह 5:30 से इसकी फार्मिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। बाइनेंस विल देन लिस्ट HFT इनटू द इनोवेशन जोन। 7 तारीख को ये इनोवेशन जोन में लिस्ट होगा शाम को 6:30 बजे, और ट्रेडिंग के लिए आएगा BTC पेयर में, BUSD में और USDT के अंदर आएगा ट्रेडिंग पेयर में। ठीक है, अब ये टाइम भी शायद यही होगा, शाम को 6:30 बजे ही आ जाएगा इनोवेशन जोन से और सीधा ट्रेडिंग के लिए आ जाएगा HFT टोकन। बाइनेंस BNB वोल्ट विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस पार्टिकुलर लॉन्च पूल प्रोजेक्ट। जो BNB वोल्ट के अंदर जिसके पैसा पड़े हैं, BNB वोल्ट यूजर हु विश टू पार्टिसिपेट विल नीड टू स्टेक देयर BNB डायरेक्टली विद बाइनेंस लॉन्च पूल। ठीक है, अदरवाइज वो, अब चलते थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। टोकन नेम हैश फ्लो HFT, इसकी सप्लाई कितनी, 1 बिलियन की सप्लाई है। प्लानिंग 5% इश्यूएंस टू द DAO ट्रेजरी पर ईयर आफ्टर 4 ईयर अपॉन टोकन लॉन्च, और दिस कैन बी डिसेबल बाई DAO वोटिंग। ठीक है, ये इसे को बदला जा सकता है DAO वोटिंग के थ्रू। लॉन्च पूल का टोकन रिवार्ड 15 मिलियन का है, 1.5% ऑफ जेनेसिस टोकन सप्लाई, और इनिशियल सप्लाई इसकी कितनी रहने वाली, सर्किट सप्लाई 175 मिलियन की रहने वाली है। 17.52% ऑफ जेनेसिस टोकन सप्लाई, इनिशियल सप्लाई जो आएगी। और कॉन्टैक्ट एड्रेस ERC20 और BP20 पर है, मुझे लगता है अभी ये इनका मर्ज चल रहा है, इसकी वजह से भी ये आया नहीं। आप इसकी वैल्यू भी थोड़ा सा ऐसे ही देखोगे तो 7 तारीख तक का वेट कर लीजिए। स्टेकिंग टर्म्स, नो अपर लिमिट, KYC रिक्वायर्ड। KYC चाहिए होगी अगर बाइनेंस में आप कर रहे हैं तो, बाइनेंस में तो KYC ज़रूरी है, विदाउट KYC वाले नहीं कर पाएंगे इसको। स्टेक BNB इतने रिवार्ड में मिलेंगे, 80% BNB को स्टेक करने में और BSD को स्टेक करने में आपको इतने मिलेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपको BSD में अगर आपको स्टेकिंग का चांस मिला तो BSD में ज़रूर करिए, ना कि BNB में करें। ठीक है, BUSD में करिए, ना कि BNB में करें। अभी तो लेटेस्ट है, सुबह कल 5:30 बजे कर दो काम, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर स्टार्टिंग में ही कर दो। ठीक है, एक तो स्टेबल कोइन है, पंप डंप से कोई लफड़ा नहीं होगा आपका, और आपका जो भी रिवार्ड में आप जनरेट करोगे वो प्रॉफिट ही होगा। अब बात कर लेते हैं वो टोकन कितने प्राइस तक की आसपास आप उसकी उम्मीद कर सकते हो। मेरे हिसाब से 5 से लेकर $7 तक आप इसको ये जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, अगर आप 1 BNB के आसपास करते हो तो आपको शायद $1 या $2 का आपको HFT टोकन मिल सकता है, एज़ पर प्रीवियस रिकॉर्ड और एज़ पर करंट स्टेटस ऑफ दिस कॉइन, मेरे हिसाब से है ये। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं BUSD मैंने रखे हुए, BNB भी मेरे पास पड़े हैं, ताकि मैं उन्हें मिड टर्म लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से मैंने रखे हुए हैं, तो मैं और साथ में जो मेरा MetaMask ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़ा मैं उसको लाकर बाइनेंस में डालूंगा और उसके बाद उसे लॉन्च पूल में डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो वो रखने ही थे, और उसके बाद आफ्टर 30 डेज मैं उनको उठा के फिर से विदड्रॉ करके अपने वॉलेट के अंदर ले जाऊँगा, और साथ में BUSD को भी यहाँ पर स्टेकिंग पे लगा दूंगा। अगर मेरे पास कोई USDT है मैं उसको कन्वर्ट करके BUSD में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का पीरियड है, मतलब कि पूरा आपका नवंबर इसमें रहेंगे। टोटल डेली रिवार्ड 5 लाख टोकन आपको HFT के मिलेंगे जो ये रिलीज़ करेंगे, और BNB पूल डेली रिवार्ड में 4 लाख है और 1 लाख आपके BUSD वालों के लिए, मतलब 20% 80%।
ठीक है दोस्तों, तो ये है, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। बाकी आप ये हैश फ्लो के बारे में और भी जानकार, हैश फ्लो ए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कनेक्टिंग ट्रेडर्स विद प्रोफेशनल मार्केट मेकर्स, और ये है ना मल्टी चेन पर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड एनी एसेट ऑन एनी चेन इन सेकेंड सिंपली बाय कनेक्टिंग योर वॉलेट। आपको पता होगा अगर मान लेते हैं हम मैटिक चेन में हमारे पास कोई टोकन पड़ा है और कोई ERC पे पड़ा है, कोई मान के चलते हैं किसी BEP20 पे पड़ा है, एवलांचे पे पड़ा है, EVX चेन पर, और चाहे फैंटम पे पड़ा है, तो हमें बड़ी परेशानी होती थी। तो इसका ये सॉल्यूशन एक ही एप्लीकेशन के अंदर, इसके अंदर मल्टी चेन वाला जो सिस्टम है, तो इससे आप कनेक्ट करके अपने सिंगल वॉलेट से और सारे काम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप ट्रेड कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी ठीक लगा ये, जस्ट ट्रेड नो BS, नो अकाउंट्स, नो कमीशन, नो सरप्राइजेज, ट्रेड क्रॉस चेन ये भी कर सकते हो आप, और शायद इस पर ट्रेड करने वालों को शायद एयरड्रॉप का भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल जो हमें लॉन्च पूल से मिल रहा है हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे थ्रू BUSD। बाइनेंस कोइन की अगर मैं बात करूँ, $335 तक का इसका प्राइस हिट कर चुका है, $335, और हमारी इसके अंदर एंट्री थी। आप देखोगे, ये देखिए हमारे VIP ग्रुप का सिग्नल है, देखिए ये रहा, तो BNB का हमने लॉन्ग दिया था 13X के साथ 282 से 286 तक, तो हमारे यहाँ से एंट्री मिली थी हमें, और उसके बाद आप देख सकते हो 305 तक भी ये पूरा पार कर चुका है BNB कॉइन की। और अभी भी इसकी उम्मीद, जो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि BNB कॉइन अभी फ़िलहाल कहाँ तक जा सकता है, तो अभी अगर हम बात करते 13X लेवरेज के साथ, अभी तक हम इसमें 215% का प्रॉफिट गेन कर चुके हैं BNB में 286 के आसपास से और करंट प्राइस तक। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ तक जा सकता है, तो अभी इसके पास जो रेजिस्टेंस है या ये कह लीजिए डबल टॉप जो बनने वाला है इसका 336.9 यानी कि 335 से 37 के बीच इसका डबल टॉप है, यहाँ से शायद थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है। अगर ये इसको भी ब्रेक कर जाता है तो फिर मेरी जो उम्मीद है, क्योंकि लोग आज रात को अभी बाहर होंगे, कहीं ड्यूटी पर होंगे, कहीं होंगे, वो रात को आकर इसको बाय करेंगे, चाहे अगर बाहर के अंदर भी बात, बाहर भी बात करता हूँ, तो इसको बाय करेंगे और इसको फिर स्टेकिंग पे लगा देंगे। कई होते हैं जो फंस जाएंगे इसके चक्कर में, क्योंकि इसका पिछला जितना भी, चाहे BTCST कॉइन देख लो, इसके जितने भी कॉइन है सब बर्बाद रहे जिन्होंने BNB को बाय किया। आज आप इस स्टेज पर इसको BNB को बाय कर लेते, मैं कहता हूँ आपने $500 का BNB बाय कर लिया और आपने प्राइस बाय किया 335 के रेट पर। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ, आप ये देखिएगा प्राइस लेवल, ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अपने $335 पर एक पूरा BNB बाय कर लिया और उसको स्टेकिंग पे लगा दिया। अभी स्टेकिंग से आपको टोकन मिलते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, क्या आपका मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। अगर आपको 335 करने से अगर आपको $2 या $3 का यानी कि 0.5 अगर HFT टोकन मिल भी जाता है, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन समझते हैं। अब इसके बाद अब आपने 0.5 और इसका HFT का टोकन का प्राइस 1 HFT इजिकल टू, मैं कहता हूँ चलो $10 भी मैक्सिमम ले लेते हैं, मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ, ठीक है, ये आप समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। हमें टोकन कितने मिले, एक BNB पर आधा HFT एक्सपेक्टेशन है, आप मैक्सिमम, चलिए मैं आपको मैक्सिमम लेके चलता हूँ, एक HFT मान के चलते हैं कि हमें एक HFT मिल रहा है, आप समझिएगा इस चीज़ को। खेल जो बाइनेंस एक्सचेंज खेलते हैं वो कमाने के लिए बैठे, हमें देने के लिए नहीं बैठे। अब क्या करते हैं, हमने बाय किया वन बी एन बी बराबर $335 पर हमने इसको बाय किया है। अब क्या होगा, चलिए आप देखते हैं यहाँ पर, अगर एक BNB का प्राइस आज की डेट में ये है और मैं कहता हूँ आपने इसको स्टेक करके रखा और इसका प्राइस रिट्रेस हो जाता है फॉर एग्जांपल, बट अगर हम बात करें अगर अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस पैटर्न, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो देख रहे हैं यहाँ से जाने के बाद, तो फिर इसके बाद और भी मैसिव पंप देखने को मिलेगा। पर BNB अकेला ऊपर मूव नहीं करेगा, यानी कि 450 480 90 तक अकेला नहीं जाएगा, BTC को भी जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों, BTC को भी जाना चाहिए। वीडियो लंबी है पर आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो तो आप यहां पर देखेंगे, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहां पर देखोगे अभी DXY भी 111.2 तक जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। स्पोर्ट जो इसका था करीब करीब 109.5 के अप्रोक्स था, यहां से ये पंप होना शुरू हो गया है, अब यहां से जा रहा है। अब यहां पे 200 EMA का इसके पास रेजिस्टेंस है जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम पर है, और अगर ये इसको ब्रेक करता तो यहाँ तक जाता, यानी कि अगर 112.8 तक अगर इसका प्राइस जाता है DXY का, डॉलर कॉस्ट इंडेक्स का, ठीक है, तो फिर हम जो BTC का प्राइस है वो 20,000 के आसपास तक
आराम से आता हुआ देख सकते हैं, 20,000 से लेकर 20,100-200 के बीच में हम इसको BTC के प्राइस को देख सकते हैं। अब मैं आपको BTC का प्राइस भी दिखा देता हूं कि इस वक्त BTC का प्राइस क्या चल रहा है। इन माय ओपिनियन अगर हम बात करते हैं DXY के हिसाब से तो BTC का प्राइस करीब करीब 20,500 से 700 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं BTC का प्राइस 20,700 है, देखिए जैसे मैं आपसे कह रहा था करीब करीब ये प्राइस इसका इस वक्त चल रहा है, ठीक है। और अभी इसके पास रेजिस्टेंस है करीब करीब 20,900 या 21,000 के आसपास का, मोटा मोटा मान के चलते इसके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर इसका प्राइस DXY प्राइस अगर पंप करता है, यहाँ तक पंप करता है, तो फिर BTC के प्राइस को हम करीब करीब यहाँ तक देख पाएंगे, 20,300 से 400 डॉलर के बीच। अगर DXY का प्राइस हम दोबारा से 112.8 के आसपास तक देखते हैं तो हम आसानी से यहाँ से 19,800 से लेके 20,150 के आसपास तक BTC का प्राइस देख सकते हैं। बट तब इसका प्राइस क्या होगा, तो ये वापस से हम इसको रिट्रेस करता हुआ देख सकते हैं 300 डॉलर के आसपास तक, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी सर्कमस्टांसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। RSI लेवल बहुत ज़्यादा पंप है इसका, 80-85 प्लस तक इसका RSI लेवल जा चुका है, डबल टॉप भी बन रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। यहाँ से क्योंकि अब जितना पंप होना तो लोग इसका प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहाँ से रिट्रेस होकर शायद 320 तक आप इसको जाता हुआ भी देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद फिर उम्मीद है कि आप तो वापस कर जाइए, नहीं तो वापस 300 से लेके 310 से लेके 296 तक भी आप इसको जाता हुआ देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ पर एक BNB से 335 का ये बाई किया, आपको 1 HFT टोकन मिल रहा है, तब अगर बाई के मान के चलते अगर इसकी वैल्यू मैं कहता हूँ 297 या 290 तक भी रह जाती है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको लॉस हुआ है पे मोटा मोटा 45 डॉलर का, ये मैं फिर भी मान के चल लेता, तो मैक्सिमम भी 310 डॉलर का भी मान लेते, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपके आपका लॉस कितना हुआ, 25 डॉलर का लॉस हुआ, ठीक है। आपको लॉस होता है यहाँ पर 25 डॉलर का, ठीक है। और आपने प्रॉफिट कितना लिया, प्रॉफिट आपको मिला 10 डॉलर का, यानी कि आप ओवरऑल 15 डॉलर लॉस में ही रहोगे थ्रू BNB स्टेकिंग, ठीक है। अगर BNB का प्राइस पंप नहीं होता है तो ये उस कंडीशन में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। और अगर हाँ ये इसके बाद जाता तो सीधा 385, उसके बाद 465 और यहाँ पे 490, ये जाएगा भी ज़रूर, ये नहीं। DXY जब तक आपका इस लाइन के ऊपर है ना, यानी कि 108.5 के ऊपर है, तब तक BTC के अंदर आप यही देखने को मिलेगा आपको पंप डम, ठीक। अगर इसके बिलो आता है तो BTC आप पंप होता हुआ, मैसिव पंप होता हुआ देखोगे, अगर इसके अबो प्राइस पंप होता हुआ दिखाई देगा आपको DXY का, तो आप इसको नीचे जाता हुआ भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एक्सपेक्टेशन मेरी HFT टोकन के साथ कितना जा सकता है। BNB की पूरी चार्ट एनालिसिस DXY के साथ BTC के साथ आपको करके बताई गई है। चार्ट को समझाने का तरीका अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को टेक हेल्प इन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहते हैं तो हमारा ट्रेडिंग एनालिसिस कोर्स, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, अगर आप भी इस तरह से प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को सिर्फ $120, बिल्कुल रीजनेबल कोर्स, आप कहीं भी पता कर लीजिए, कोई भी टेक्निकल कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, आपको लर्न करा रहे हैं, तो उसकी फ़ी कम से कम 200, 250, 280, 300, 350 लेते हैं, पर आपके लिए बहुत ही रीजनेबल $120 रखी गई है। तो आप चाहें तो कल से जूम पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रात को 8 बजे से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। techhelpinhindi@gmail.com पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।